हेलो पार्टी पीपल, आज के वीडियो में हमारे एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं। तो इससे पहले कि मैं बताऊं आपको कि इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा इस स्पेशल गेस्ट के बारे में। तू सच बोलता है। ये स्पेशल गेस्ट थोड़े 7-10 दिन पहले ही आए हमारी लाइफ में और मैंने बड़ी कोशिश करी कि चले जाएं, बट ये जा ही नहीं रहे, मेरे साथ ही सारी चीज़ें कर रहे हैं। मैं नहीं मानता। तो मैंने कहा ठीक है, फिर इनको वीडियो में लेके आते हैं, इनसे थोड़ा काम ही करा लेते हैं। तो इंट्रोड्यूसिंग मिस्टर मंगेश। ये मंगेश हमारे साथ हैं काफ़ी टाइम से, तो आज थोड़ा कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं वीडियो में, तो इनको थोड़ा ध्यान दीजिए। तो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आप घर पे होम बार सेटअप कर रहे हैं तो कौन कौन सी स्पिरिट्स, कौन कौन से अल्कोहल आपको मस्ट स्टॉक करने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कुछ वीडियो पहले बताया था कि 6 टाइप के कोर होते हैं हर कॉकटेल में, रम, विस्की, जिन, वोडका, टकीला एंड ब्रांडी। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। अब ब्रांडी थोड़ा नुआंस है, तो ब्रांडी के बारे में बात नहीं करेंगे, बट बाकी 5 की हम बात करेंगे। कौन कौन से टॉप स्पिरिट्स हैं, कौन कौन से टॉप अल्कोहल हैं जो आपको अपने होम बार सेटअप करनी चाहिए अगर आप थोड़े से मिक्सोलॉजी कॉकटेल एंथुजियास्ट बन चुके हैं। तो ठीक है, फिर मिक्स इट अप विद मैंडी एंड मंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रम की। अब रम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रम शुगर केन से आता है, तो ये स्पेशल टाइप का स्पिरिट होता है। इसमें मोस्टली जो ब्रांड आपको इंडिया में मिलता है वो है बकाडी और ओल्ड मॉक। तो ओल्ड मॉक डार्क रम है, दिस इज़ अ मस्ट हैव इन योर बार। ये इंडियन रम है। सैनिटाइजर नहीं मांगा वे। और दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट हैव, इट हैज़ हिंट्स ऑफ वनीला, सिनेमन, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टेस्ट है, काफ़ी सस्ता भी आता है। इनफैक्ट रम काफ़ी सस्ती ही होती है ओवरऑल। यानी कितनी ऑसम है। तो दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट हैव। सेकंड दैट यू मस्ट हैव इज़ वाइट रम बकाडी। ये आपको पता ही है, इसके बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, लिमोन वगैरह, बट दिस इज़ द मस्ट यू हैव, इट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी एक्सपेंसिव। बकाडी वाइट रम शुड डेफिनेटली हैव। एक जो मुझे नहीं मिला बट यहाँ पे फोटो आ गई होगी, वो है बकाडी ब्लैक। बकाडी ब्लैक इज़ द बकाडी वर्जन ऑफ ओल्ड मॉन्क, सो डार्क रम है, इट्स वेरी टेस्टी, सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू हैव बकाडी ब्लैक एज वेल अलॉन्ग विद बकाडी वाइट रम। फिर ये एक थोड़ी सी महंगी आती है, ये बकाडी की ही है, अनेहो, सो ये 4 ईयर है, आपको 8 ईयर ओल्ड भी मिल जाएगी। तो दिस इज़ एज्ड रम एंड इस हैज़ अ वेरी फाइन टेस्ट। तो अगर आप अपने लिए कॉकटेल बना रहे हो, थोड़ा सा थोड़ा डीपर टेस्ट चाहिए, आपको थोड़ा एजड रम चाहिए, तो दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड हैव। बट अगर अनेहो नहीं भी है तो चलेगा, बट बकाडी रेगुलर वाइट रम, बकाडी ब्लैक और ओल्ड मंक, दैट इज़ डेफिनेटली यू शुड हैव। अब जो हम बात कर रहे हैं वो है विस्की की। अब जो सिंगल मॉल्ट प्योरिस्ट हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं सिंगल मॉल्ट के बारे में बात करूँगा, सिंगल मॉल्ट के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है सिंगल मॉल्ट जैसी विस्की को हम कॉकटेल में डालें, क्योंकि सिंगल मॉल्ट का एक अपना एक नुआंस टेस्ट है, उसको वेस्ट नहीं करेंगे। तो सिंगल मॉल्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं वो विस्की जो कॉकटेल के लिए बेस्ट है। सिंगल मॉल्ट आपके अपने प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, मैंने बहुत साल सिंगल मॉल्ट पिए, बट अब मैं मोस्टली कॉकटेल से पीता हूं, तो मैं सिंगल मॉल्ट अब मैंने लेनी छोड़ दी है। ये जो है जिम बीम वन ऑफ द बेस्ट बर्बन विस्कीज फॉर कॉकटेल्स, दिस इज डेफिनेटली यू शुड हैव। काफ़ी टेस्टी कॉकटेल्स बनती हैं, तो अगर आप कॉकटेल्स का ढूंढ रहे हो एक बर्बन, तो जिम बीम इज़ योर फ्रेंड। सेकेंड जे डी का टेस्ट ही डिफरेंट है, एंड ऑल ऑफ यू नो यू हैड जे डी मल्टीपल टाइम्स, तो कॉकटेल्स के लिए जे डी आपका डेफिनेटली होनी चाहिए, तो ख़त्म भी हो रही है। एक जो मेरी फेवरेट विस्की, नंबर वन विस्की फॉर कॉकटेल्स फॉर मी, माई पर्सनल रिकमेंडेशन इज़ जेमिसन। ये आयरिश विस्की है, और मैंने जो भी वीडियो डाला है पहले विस्की का, वो मैंने सारी इससे बनाई थी, और मैं मोस्ट ऑफ विस्की कॉकटेल्स जेमिसन से ही बनाता हूँ। काफ़ी नुआंस टेस्ट है जेमिसन का। इनफैक्ट एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ और बताता हूँ, जो विस्की का स्पेलिंग है, अगर आप देखोगे इन तीनों में, इनफैक्ट WHISKEY है, आप भी देख सकते हो, इनफैक्ट आप चेक करोगे, सो रूल ऑफ थंब इज कि आयरिश और अमेरिकन विस्कीज में EY होता है, और बाकी सब जगह आप स्कॉच देख लो, इंडियन विस्की ले लो, उसमें KY होता है, ई नहीं होता है। तो सिर्फ आयरिश और अमेरिकन विस्कीज में KEY होता है, तो वो एक क्यों है ये मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है, बट ये होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो मूव करते हैं थर्ड वाले पे। तो अब बात करते हैं वोडका की। अच्छा, अगर आप वोडका से कॉकटेल बना रहे हो तो बहुत महंगी वोडका खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वोडका बाय डेफिनेशन फ्लेवरलेस, ऑडरलेस होती है, तो वोडका आप कोई भी खरीद सकते हो। सबको खरीद लूंगा, मेरे पास पैसे हैं, पैसे। इनफैक्ट स्मिर्नॉफ से बहुत सारे लोग कॉकटेल्स बनाते हैं, स्मिर्नॉफ इज अ गुड अल्कोहल।
आई नो इज द चीपेस्ट वन दैट्स अवेलेबल. इनफैक्ट मैं कुछ बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में कॉकटेल जो मैंने बनते हुए देखा तो मैजिक मोमेंट से बना रहे थे. That magic, वो जो मैजिक आता है ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक बहुत ही nuanced, क्योंकि इसमें डेप्थ ऑफ फ्लेवर ज़्यादा नहीं होता है, तो आप स्मिर्नॉफ से भी कॉकटेल बना सकते हो. इट्स द चीपेस्ट वन अवेलेबल. मतलब आप डोंट गो फॉर मैजिक मोमेंट्स और अदर्स, बट स्मिर्नॉफ से स्टार्ट करो. यू कैन मेक गुड कॉकटेल्स विद स्मिर्नॉफ. ये ऑब्वियसली स्वीडिश वोडका, एज यू ऑल नो, एब्सोल्यूट. नाउ इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव. बहुत साल पहले बहुत महंगी मिलती थी, अब ज़्यादा महंगी नहीं मिलती, तो एब्सोल्यूट डेफिनेटली यू कैन हैव. ये एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा इनफैक्ट चलो मैं आपको कुछ बताता हूँ. वोडका ओरिजिनेटेड जब हुआ था तो एवरीबडी थिंक्स के वोडका इज़ मेड फ्रॉम पोटेटोज. वोडका इनफैक्ट मैंने पढ़ा कुछ लेस देन 5% ऑफ वर्ल्ड वोडका इज मेड फ्रॉम पोटेटोज एनीमोर. तो वोडका अब पोटेटो से नहीं बनती है वोडका, बहुत कम वोडकाज हैं पोटेटोज बनती हैं. इनफैक्ट स्मिर्नॉफ, एब्सोल्यूट, ये सारी वो वीट या अदर ग्रेन्स, राय से बनती है. तो पोटेटो से तो बहुत कम बनती है, वेरी फ्यू कॉकटेल्स. दिस वन इज स्पेशल, टीटोस. इट कम्स फ्रॉम, इट्स एन अमेरिकन वोडका. इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड ऑस्टिन इन टेक्सास. मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त रहते हैं वहाँ पे. ये स्पेशल क्यों है? बिकॉज ये वीट या अदर ग्रेन से नहीं बन रहा, ये कॉर्न से बन रहा है. एज यू नो अमेरिका एंड इट्स लव फॉर कॉर्न. तो ये डिफरेंट वोडका है टीटोस. ये पता नहीं आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगी, बट अब इंडिया मिलने लगी है. एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, मेड फ्रॉम कॉर्न. मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे मैं यूज़ करता हूँ केटल वन. इट्स अ डच वोडका, वेरी फेमस अक्रॉस बारटेंडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड. केटल वन कम्स फ्रॉम हॉलैंड, डच, एंड दिस इज समथिंग यू कैन हैव. सो इफ यू स्टार्टिंग ऑन वोडका, आई वुड से स्टार्ट विद स्मिर्नॉफ और एब्सोल्यूट. दे ऑलवेज अवेलेबल. आई डोंट नो अगर आपको केटल वन या टीटोज मिलेगा, बट टीटोज मिल रहा है तो डेफिनेट टीटोज ट्राई करो. थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट है, बाकी यू वोंट नो एक्चुअली. तो वोडका में ज़्यादा साइंस नहीं है. अब बात करते हैं सबकी फेवरेट जिन. जिन वैसे आजकल काफ़ी फेवरेट हो गई है. इनफैक्ट एक मुझे आपको स्टोरी बताऊं तो 2015 में मुझे याद है कि मैंने अपने घर पे पार्टी करी था. मैं बॉम्बे में रहता था, मैंने घर पे पार्टी करी थी और बहुत सारी अल्कोहल थी घर पे, और जिन की एक बॉटल लगा रखी थी बॉम्बे सफायर की. एंड वो पूरी पार्टी में कुछ 40-45 लोग आए थे और वो किसी ने जिन नहीं पी थी. तो 2015 में एक्चुअली जिन बहुत कम पीते थे, जिन पता भी नहीं था. बट 2017-18 से वो जिन का जो क्रेज़ हुआ है वो आपको पता ही है. इनफैक्ट अब मोस्ट यंगस्टर्स प्रेफर जिन ओवर अदर ड्रिंक्स. तो ये बहुत रीसेंट फिनोमेना है जिन का. जिन बाय डेफिनेशन, वैसे जिन की स्टोरी मैं एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा, तो मैं ज़्यादा जिन के डेप्थ में नहीं जाऊंगा. बट एक बेसिक चीज़ है कि जिन इज़ एन अल्कोहल दैट हैज़ टू हैव टू बी डिस्टिल्ड विद जूनिपर बेरीज. तो जूनिपर बेरीज से ही जिन बनती है. तो ऑल जिन्स जिन हैव जूनिपर बेरीज. ये एक फेवरेट, हर जगह मिल जाती है. इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव. बॉम्बे सफायर, इनफैक्ट जब आप कॉकटेल्स बना रहे हो, इनफैक्ट जो बहुत नुआंस जिन्स होती हैं, जैसे मेरे पास एक और है यहाँ पे ब्लाइंड टाइगर, काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे क्योंकि मैं एक बेसिक जिन्स का बता रहा हूँ. तो ये बॉम्बे सफायर, या अगर आप कोई भी सिंपल सी जिन लेते हो, इट हैज़ इनफ बोटैनिकल्स टू मेक अ नाइस कॉकटेल. तो ऐसे बहुत महंगे जिन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉकटेल में बोटैनिकल्स का टेस्ट बहुत बहुत ही मिनिमल होता है. तो अगर आप बेसिक जिन भी ले रहे हो तो चलता है. बॉम्बे सफायर आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, ग्रेट जिन फॉर कॉकटेल्स. बीफीटर, आई डोंट नो, लोग बीफीटर को काफ़ी बुरा जिन मानते हैं, बट अच्छे जिन है. इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड दिस इज़ द प्रिफर्ड जिन फॉर बार्टेंडर्स. तो बीफीटर अच्छे जिन है, मोस्ट आइकॉनिक जिन है एक्चुअली. तो ये आप डेफिनेटली रख सकते हो. टैंकरे, अगर अब हरियाणा में काफ़ी सस्ते मिलने लगी है टैंकरे, करवाई गाड़ी लगाइए साइड में जरा. इनफैक्ट देयर टाइम्स जब बॉम्बे सफायर या बीफीटर सस्ती मिलती है टैंकरे फॉर ABC रीजंस. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जिन है. अगर ये बहुत महंगी नहीं है तो डेफिनेटली यू कैन कीप. अगर बहुत महंगी मिल रही है आपके शहर में तो यू कैन अवॉइड इट ऑल्सो. टैंकरे नंबर 10. इनफैक्ट ऑल ऑफ दीज जिन्स अगर आप देखोगे तो सब पे लिखा है लंदन ड्राई जिन. और इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द जिन जो भी आप इंडिया में देखते हो, मोस्ट ऑफ लंदन ड्राई जिन ही होती हैं. और जिन नहीं मिलती हैं, क्योंकि ड्राई जिन मतलब उसमें कोई स्वीटनेस एडिड नहीं है. सो कुछ जिन होती हैं जिसमें स्वीटनेस एडिड होती है, बट इंडिया में मोस्टली ड्राई लंदन ड्राई जिन ही मिलती है. तो ये तीन डेफिनेटली यू कैन कीप. बट डेफिनेटली इफ यू हैव टू चूज वन, इधर बॉम्बे सफायर और बीफीटर. अब बात करेंगे मेरी फेवरेट स्पिरिट, टकीला. टकीला आजकल मेरी काफ़ी फेवरेट हो गई है. इनफैक्ट जब मैंने फर्स्ट टाइम टकीला पीती तो सबकी तरह, जैसे यहाँ पे नींबू नमक करके वो सब यार, टकीला से जो कॉकटेल्स बनती हैं उसकी जो टेस्ट प्रोफाइल होती है, इट्स अमेजिंग. तो अगर आप टकीला आज भी वैसे ही पी रहे हो जैसे आपको सिखाया गया था, तो टकीला से बनाओ बढ़िया कॉकटेल. और मार्गरिटा मेरी ऑल टाइम फेवरेट कॉकटेल है.
आज बात करेंगे कौन सी टकील आपको रखनी चाहिए। कमीनो नंबर एक का कमीना जो है काफ़ी रीजनेबली प्राइस्ड टकीला है, आपको हर जगह मिल जाता है। इनफैक्ट मोस्ट कॉमन यूज्ड बाय बार्टेंडर्स कमीनो है। इट इज़ अ ग्रेट टकीला। तो जब आप कॉकटेल्स बना रहे हो, या देखो टकीला का नाम थोड़ा बदनाम है क्योंकि उसका रीज़न है, ऐसा नहीं कि टकीला से हैंगओवर होता है। सब लोग बोलते हैं टकीला से हैंगओवर होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हम 4-5 पीने के बाद फिर टकीला के 2-3 शॉट मारते हैं। अब ये आप किसी भी अल्कोहल के साथ कर लो तो होना ही है, अगले दिन तो लगनी ही है आपकी, है ना। तो अगर आप टकीला से 2 या 3 कॉकटेल पी रहे हो तो कुछ नहीं होगा, कोई हेडेक, नथिंग विल हैपन। और बीच में पानी तो पीते रहना है। तो कमीनो ग्रेट टकीला फॉर कॉकटेल्स। ये एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टकीलाज इन द वर्ल्ड, होजे क्वावो। इसमें अगर आपको, उसमें मोस्टली 2 मिलती हैं आपको, इनफैक्ट हर जगह आप देखोगे तो आपको सिल्वर या गोल्ड या जिसको हम बोलते हैं ब्लांको या रेपसाडो। ब्लांको जो एज नहीं होती है, बट रेपसाडो जो गोल्डन कलर होता है वो थोड़ा एज्ड होता है। अगर आप कॉकटेल्स बना रहे हो तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड सिल्वर अनलेस द कॉकटेल्स रिक्वायर्स यू नो अ गोल्डन और रेपसाडो टकीला। तो मोस्टली सिल्वर। इनफैक्ट जब मैंने फर्स्ट टाइम होजे क्वावो खरीदी थी तो मैं देखा सेम प्राइस है सिल्वर और गोल्ड की, तो मुझे लगा गोल्ड बेटर होगी, बट नहीं, एक्चुअली अगर कॉकटेल बना रहे हो तो सिल्वर आई वुड रिकमेंड। तो होजे क्वावो ग्रेट टकीला फॉर ड्रिंकिंग ऑल्सो, फॉर जस्ट ड्रिंकिंग लाइक दैट एंड कॉकटेल्स। ये इनफैक्ट ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी लेटली, लचीका टकीला, काफ़ी इंटरेस्टिंग इसका फ्लेवर है। थोड़ा सा अगर आप, मतलब कैसे पता चलता है, आई थिंक बहुत सारी पीने के बाद देन यू स्टार्ट सीइंग यार दिस इज़ बेटर, बट दिस इज़ माय बिकमिंग अ फेवरेट नाउ। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट विद होजे क्वावो, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट दैट वी हैव। सो स्टार्ट विद दिस और टकीला से इंटरेस्टिंग कॉकटेल बनाओ, बहुत मज़े की बात। तो आज हमने बताया 5 स्पिरिट्स के बारे में, रम, विस्की, वॉडका, टकीला, जिन। इन 5 बारे हमने बताया कि जब आप अपना होम बार सेटअप कर रहे हो तो कौन कौन से बेसिक बॉटल्स आपको स्टॉक करनी चाहिए। तो व्हेन यू मेकिंग कॉकटेल्स, व्हेन यू स्टार्टिंग टू मेक कॉकटेल्स, तो ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, महंगी अल्कोहल स्टॉक नहीं करनी है, क्योंकि एक्चुअली वो जितना नुआंस अल्कोहल में होता है उससे ज़्यादा तो आप बहुत चीज़ों में आप ऐड करने वाले हो। तो स्टार्ट विद दैट, डोंट बाय महंगा वाला अल्कोहल, ठीक है। तो हमने इन 5 बारे में बात किया आज। आई नो मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था मंगेश से, मंगेश ने आज बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया, अभी थोड़ा शाय है, पहला वीडियो है और टाइम लगता है, थोड़ा उसको मौका दो। मेरा भी पहला वीडियो अच्छा नहीं था, इनफैक्ट मेरा भी पहला वीडियो बहुत अच्छा था, बट ठीक है, मंगेश इज़ नॉट मी। तो हम फिर आपसे इजाज़त लेते हैं, टिल देन कीप मिक्सिंग इट अप।